मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे जी। हम आए हैं कई दिनों के बाद खेत में आपसे बात करने के लिए जी। बस रुके रहिए, छोड़ कर जाइए मत रूखे सूखे खेत को देख करके जी। बिल्कुल नहीं जाने वाले, मुझे विश्वास है। बस अब खास बात होने वाली है हमारी अपनी। कई दिनों के बाद आई है सुनीता शर्मा खेत में आपसे बात करने। नमस्कार दोस्तों जी। आपने कितने ही बार सोचा होगा, लोग मुझे ही क्यों कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसने मुझे क्यों ऐसा कह दिया, ये परेशानी क्या मेरे ही भाग्य में लिखी थी। न जाने कितने ही प्रश्नों से दोस्तों आपको गुजरना पड़ा होगा जी, लेकिन हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने कह दिया तो आप पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसी के लिए बनाई हमने आज की वीडियो जी। दोस्तों अक्सर हम लोग इसी प्रश्न में उलझे रहते, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं ही मिली थी, मुझे ही ये सारा काम करना पड़ा, मेरी ही किस्मत ऐसी है। न जाने कितने लोग आज अपनी किस्मत को कोसा करते हैं, और वो भी दूसरों की वजह से। अरे हम मुश्किल से ये भाग्य मिला है, मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, फिर हम दूसरों के कहने में क्यों आ जाते हैं। अपने भाग्य की चाबी, अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में क्यों सौंप देते हैं। दोस्तों अपनी चाबी को आप अपने हाथ में रखिए जी। आपकी खुशी आपकी अपनी, आपका व्यक्तित्व आपका अपना है। दूसरे की वजह से आपको परेशान होने का हक ही नहीं, बिल्कुल भी आप दूसरों की वजह से परेशान मत होइए। नए दुख दो, नए दुख लो जी हाँ, दुख लेना भी नहीं है किसी और की वजह से। खुशियां दो, खुशियां लो, ऐसा आपका जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। इस ये जो है ना क्वेश्चन वाली बात कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी ही किस्मत ऐसी है, उसने मुझे यूं क्यों किया, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। कुछ भी लेना देना नहीं इन बातों से दोस्तों। लोगों का काम है आलोचना करना, कोई बात नहीं, कह दिया, न जाने बेचारे की जीवन में क्या चल रहा होगा, क्या परिवार के अंदर चल रहा होगा, क्या उसके शरीर में चल रहा होगा, क्या कुछ समाज में चल रहा होगा, क्या कुछ उसकी परिस्थितियां रही होंगी जबकि उसने आपको शायद ऐसा कह दिया होगा, यही सोच करके उसे क्षमा कीजिए। और खास बात यह है कि आलोचना होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, बिना आलोचना के कोई आगे बढ़ा है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस आलोचना को आप स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, और दूसरों ने कुछ कहा है तो अगर संभव हो सके तो दोस्तों उसे और अधिक बेहतरीन एक स्टेज पर लाने की कोशिश कीजिए, अपने में सुधार करने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर कोई बेवजह से कह रहा है तो आप बिंदास रहिए, बिल्कुल बिंदास, कूड़िए मत, परेशान मत होइए किसी दूसरे की वजह से। अपनी खुशी की चाबी दूसरे को मत दीजिए, मैंने कहा ना खुशी जैसी खुराक नहीं, आप बिंदास रहिए जी। खुशियां लेना सीखिए, खुशियां देना सीखिए, और फिर जिंदगी का रस लीजिए। दोस्तों आज की बात है कि कितनी बार हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं दूसरों की वजह से, अपने परेशानी से नहीं, दूसरे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या क्या क्यों 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 में फंस जाते हैं। अरे इस क्यों 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 को छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, क्यों क्यों हमारी लाइफ को नेगेटिव बना देती है जी। आप अपनी ओर से कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतरीन करने का, और फिर जिंदगी का मजा लीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों जुड़े रहिए सुनीता शर्मा के चैनल से। मुझे यकीन है आप काफी पॉजिटिव हो गए होंगे। अरे क्यों क्वेश्चन मार्क में फंसते हैं, फुल स्टॉप लगाइए बातों को, कोई बात हो गई कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे बढ़िए, आगे जिंदगी का लंबा सा रास्ता है जो आपका इंतजार कर रहा है कुछ बेहतरीन देने के लिए। चलिए अब एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक बनता है, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करते बनता है। दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।